हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलसी रसोईया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो नवरात्रि चल रही है और हमारे घर में ये रसे वाली आलू की सब्ज़ी हमेशा बनती है जब भी नवरात्रि होती है। तो मैं आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। उबले हुए आलू, टमाटर और हरी मिर्च। मैंने पाँच से छः आलू लिए, दो टमाटर लिए और दो हरी मिर्च। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल व्रत में नहीं खाया जाता है, तो आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जीरा ऐड करेंगे, जीरा भुन जाएगा, फिर टमाटर ऐड करेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से कोई भी इसको बना सकता है। मैश में कच्चा भी इस्तेमाल होंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और आलू को मैश करेंगे ऐसे मोटा मोटा। आपको आलू को काटना नहीं है क्योंकि ऐसे मैश मोटा मोटा मैश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए हमने आलू मैश कर लिए और हम इसमें मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर तेज़ी लाल मिर्च ली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है तो कम ज़्यादा भी खाना होता है, इसको आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। फिर मैं नमक डालेंगे, चलाई रखते थे काफ़ी मछली हो गए हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, जब हम इसे लेट से कवर कर देंगे। देखिए ऐसे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इनको थोड़ा घोट लेंगे। अच्छे से गल गया, तो अच्छे से मैश हो रहा। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, मैश कर डाल दिए, मिक्स करेंगे अच्छे से, दोनों चलाएंगे। हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मैंने चार पाँच आलू के हिसाब से दो का पानी ऐड किया था। अब ज़्यादा मेरा दिल बना रहा है तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको रसा ज़्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब हम इसमें उबाल आने देंगे। दो तीन उबाल आने तक पकाएंगे। अगर आपको कोई आलू थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगे तो अच्छी से ऐसे तो हो सकता है। देखिए उबाल आ गया, इसमें अच्छे से पक गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए आप और पका सकते हैं, अगर आपको कम रसे का पसंद है तो उसको थोड़ा और पका सकते हैं। दो चार उबाला और लगाएं तो और पक जाएगा अच्छे से, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और ये रखा रखा आलू की सब्ज़ी भी गाढ़ी हो जाती है तो इसे थोड़ा रसा ज़्यादा ही रखें। तो देखिए अब हम इसको धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे, देखो अच्छा दिख रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई रेसिपी अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।